इस मूवी के स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ खजाने ढूंढने के लिए अमेजॉन जंगल के पास आ जाता है एंड इस खजाने का जगह के नाम द लॉस्ट सिटी ऑफ जीड होता है। तभी यहाँ पे कुछ सैनिकों हिरन को मारने के लिए एक प्लान बनाता है एंड यहाँ पे प्लान ये होता है कि जो पहले इस हिरन को मारेगा उसे बड़े ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा। तभी इसमें एडम नाम का एक सैनिक होता है जो कि इस हिरन को फाइनली मार डालता है, यह गेम को जीत जाता है। तो ही इसे एक पार्टी में बुलाया जाता है जो कि यहाँ पे आके मौज मस्ती कर रहा हुआ होता है। तभी यहाँ पे कैप्टन आता है एंड बोलता है डैडम से कि मैं तुम्हें मिलने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। इतना सुनने के बाद डैडम निराश हो जाता है एंड पत्नी के पास चला जाता है और ये सब बातों को शेयर करता है। फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है एंड इसे ऑफिसर के पास देखते हैं हम। तभी यहाँ पे कुछ ऑफिसर एडम को बोलते हैं तुम्हें रॉयल ज्योग्राफी के लिए जाना होगा जो कि अमेजॉन जंगल के बीचों बीच में एंड वहाँ पे जाके एक मैप को बनाना होगा। इतना काम कर दोगे तो मैं तुम्हें एक ऑफिसर बना दूंगा। एंड इतना सुनने के बाद एडम जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है एंड ये सब बातों को शेयर करता है कि मैं अब एक ऑफिसर बनने वाला हूँ। एंड इतना कहने के बाद वह सफर की ओर निकल जाता है। लेकिन एडम को क्या पता कि इस घने जंगल में मेरा मुसीबत इंतजार कर रहा है। इस जंगल में आदिवासी का 20 तरह के प्रजातियां पाए जाते हैं एंड यहाँ पे खुखार जानवर भी होते हैं और तो और यहाँ पे सन का लाइट धरती पे नहीं आ पाता है। और यह सब बात उसे सोचते ही ऐसा लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। इसी तरह से सफर करते हुए अमेजॉन जंगल के बीचों बीच आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एडम के पैर के पास से एक सांप गुजरता है जो कि जहरीला होता है एंड इसी तरह से सफर करते हुए एक कबीले के पास पहुँच जाता है। फिर वह कबीले के सरदार से मिलता और यह सब बातों को शेयर करता है और वह बोलता है कि मैं यहाँ का मैप बनाने के लिए आया हूँ। और यह सब बातें सुन के यहाँ का सरदार इसके साथ अपने कुछ सैनिकों को भेज देता है। इसमें से एक कबीले वाले होते हैं जो कि एडम को बताते हैं कि इस जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है। एडम यह सब बातें सुन के इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी इसके पत्नी के लिखा हुआ लेटर इसके पास पहुँच जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अपना एक बेटा हुआ है जो कि आपको ढूंढ रहा हुआ है। तभी एडम को देखते हैं जो कि खुश हो जाता है। तभी एडम को एक बोट दिखाई देता है जिसपे एक इंसान बैठा हुआ होता है। तभी एडम अपने बोट को उस बोट के पास ले जाता है। लेकिन एडम को क्या पता कि वह एक जाल बिछाया हुआ था जो कि कबीले वाले लोग बिछाए हुए थे। तभी फाइनली एडम उस बोट के पास पहुँच जाता है एंड वहाँ पे कबीले वाले लोग हमला बोल देता है एडम पे। तभी एडम और उसके आदमियों अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं जो कि पानी में कूद जाते हैं। लेकिन उस पानी में खुखार मछलियां होते हैं जो कि उन्हें नोच नोच के खाने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से एडम और उसके आदमियों वहां से निकल जाते हैं बच के। तभी हम एडम को देखते हैं जो कि अपने कैप्टन से बात कर रहा हुआ होता है जो कि एडम को पीछा करते हुए आ रहा था एंड एडम अपने कैप्टन से यहाँ पे कुछ बातें करता है और फिर यहाँ से आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन एडम और उसके आदमियों का पूरी तरह से खाना झर चुका था। तभी इन लोगों को एक झरना दिखाई देता है एंड उस झरने के पास जाने के लिए डिसाइड करता है एंड इस झरने के पास सभी लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन सभी को जोरों से भूख लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि खाने के लिए कुछ तलाश करने लगते हैं एंड वह एक जानवर को शिकार कर लेता है खाने के लिए। तभी एडम को कुछ स्टैचू दिखाई देता है जो कि बहुत पुराना था। तभी एडम को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे सोना छिपा हुआ है जिसको हमें और हमारे देश की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि एडम वापस जाने का डिसीजन लेता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सारा खाना झर चुका था एंड इतना सोचने के बाद वह वापस लंदन चला आता है और वह अपनी पत्नी और बेटे से वापस मिलता है। तभी एडम अपने ऑफिसरों के पास जाता है एंड बताता है कि उस जंगल में बहुत सारे सोना छिपा हुआ है। तभी इनके कुछ ऑफिसर होते हैं जो कि बिलीव कर रहे हुए होते हैं। फिर हम कल की सुबह में देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर होते हैं एंड यह सब ऑफिसर को भी बता रहे थे कि उस जंगल में बहुत सारे सोना छिपा हुआ है। तो भी यहाँ पे एक ऑफिसर होते हैं जो कि बोलते हैं कि उस जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं एंड इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना बहुत ज्यादा बकवास हो जाएगा। तभी एडम इन लोगों को बिलीव दिलाने के लिए एक ओल्ड पेपर दिखाता है जो कि उसी जंगल से मिला था एंड बहुत पुराना था। तभी यहाँ पे कुछ ऑफिसर
दूसरों को बिलीव हो जाता है एडम पे और जाने के लिए रेडी हो जाता है इसके साथ। इधर हम देखते हैं कि इसकी पत्नी बहुत खुश थी इस प्रोजेक्ट से। फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है एंड एडम को दिखाया जाता है और इसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जो कि इसकी पत्नी बोल रही होती है कि मैं भी इस प्रोजेक्ट में जाऊंगा। तभी एडम बोलता है अपनी पत्नी को कि तुम्हें वहाँ जाना ठीक नहीं है, और वह अपनी पत्नी को किसी तरह से मना लेता है एंड मिशन की तरफ निकल जाता है। फिर इसी जंगल में सफर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी उसके ऊपर कबीले वाले हमला बोल देते हैं। तभी एडम बचते हुए अपना किताब को निकालता है एंड उसमें कविता को पढ़ना चालू कर देता है, क्योंकि एडम इस बार पूरे तैयारी के साथ आया था। तभी हम देखते हैं कि एडम को यह कविता पढ़ने के बाद यहाँ पे सारे कबीले वाले लोग आ जाते हैं एंड यह भाषा को समझ रहे थे। फिर कबीले वाले इन लोगों को अपने अड्डा पे ले जाता है और इन लोगों को अपना मेहमान के जैसा मानने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एडम इन कबीले वाले लोग से सोना के बारे में पूछता है। फिर कबीले वाले लोग बोलते हैं कि जो उस सोना के भंडार के पास जाता है वहाँ से वापस नहीं लौटता है। फिर इन लोग एक आयुर्वेदिक की सहायता से नदी में जाता है एंड वो नदी में उसको डाल देता है, जिससे मछलियाँ अपने आप बाहर निकल जाती है। फिर हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है जो कि सभी लोग सोना ढूंढने के लिए आगे की ओर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मैनेजर होता है जो कि सारा खाना खा जाता है एंड इसके पास पूरी तरह से खाना झर चुका था। लेकिन अफसोस, इन्हें फिर से घर वापस जाना पड़ता है। घर आने के बाद देखता है कि इसका बेटा काफी बड़ा हो चुका था। फिर एडम अपने ऑफिसर के पास जाता है एंड बोलता है कि मैं मंजिल के पास पहुंच तो गया था, लेकिन मेरा कैप्टन सारा खाना खा गया, जिसके कारण सोना को हम वापस नहीं ला पाया। एंड इतना कहने के बाद एडम अपना घर चला जाता है और वो अपने बेटे से बोलता है कि हमें कुछ दिन में ड्यूटी पे जाना है। तभी उसका बेटा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि आप तो मेरे साथ कभी रहते नहीं है। इधर एडम के बॉर्डर पे लड़ाई हो रहा था, जो कि एडम को बुलाहटा हो रहा था। तभी हम कुछ ही देर में देखते हैं कि एडम एक बूढ़ी के पास जाता है एंड अपना हैंड को दिखाता है, यानी कि किस्मत को दिखाता है। तभी वह बूढ़ी एडम के हैंड देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बशर्ते तुम थोड़ा और कोशिश करेगा तो वहाँ पे पहुँच सकता है। तभी एडम को देखते हैं कि इसे नया मोटिवेशन मिल जाता है। फिर कुछ ही दिन में एडम अपना बॉर्डर पे चला जाता है, लेकिन बॉर्डर पे फाइट होने के कारण एडम का आँख की रोशनी कुछ दिनों के लिए चला जाता है। फिर कुछ दिन में एडम का आँख पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अमेरिकन के कुछ लोग आते हैं एडम के घर एंड बोलते हैं कि उस जगह पे जाने के लिए हम तैयार हैं जिस जगह पे सोना का भंडार है। फिर यह सब बातें एडम से करके वहाँ से चला जाता है। इधर एडम का बेटा एडम को बोल रहा हुआ होता है कि सोचिए कि अमेरिकन हमसे पहले वहाँ पे चला जाएगा तो वहाँ पे धज्जियाँ उड़ा देगा, यानी कि सोना का गलत यूज कर देगा। तो भी एडम समझ जाता है कि मेरा बेटा मेरा सपना को पूरा करना चाहता है। तो फाइनली बाप बेटे सोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन कुछ कबीले वाले लोग होते हैं जो कि उन दोनों बाप बेटे को पकड़ के अपने पास लेके चले जाते हैं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाता है एंड एडम और उसके बेटे को कुछ जड़ी बूटी वाला चीज पिलाते हैं, जिससे एडम और उसके बेटे बेहोश हो जाता है और इसे कबीले वाले कहीं लेके चले जाते हैं। इधर एडम की पत्नी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे और एडम को इंतजार कर रहा हुआ होता है, लेकिन मूवी के एंड में हमें ये समझ में नहीं आया कि एडम और उसके बेटे सोने के पास पहुंचा कि मारा गया। फिर इसी तरह से मूवी यहाँ पे एंड हो जाता है।